सिरमौर जिला परिषद पर भाजपा ने कब्जा कर लिया है। संगड़ाह वार्ड से भाजपा की सीमा कन्याल को अध्यक्ष जबकि भगानी वार्ड से अंजना शर्मा को उपाध्यक्ष बनाया गया है। सीमा और अंजना दोनों को 9-9 वोट मिले। वहीं कांग्रेस की तरफ से अध्यक्ष पद के लिए नीलम शर्मा और उपाध्यक्ष पद के लिए अमृत कौर को प्रत्याशी बनाया गया था। नीलम शर्मा और अमृत कौर को 8-8 मत मिले। ऐसे में भाजपा ने जिला परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के पद पर कब्जा कर लिया है। सिरमौर जिला परिषद पर भाजपा की जीत पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने सभी को बधाई दी है। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने भी जीत के लिए सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए कहा, यह मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में पिछले 3 वर्षों में किए कल्याणकारी कार्यों का नतीजा है। नाहन के विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि जिला परिषद पर भाजपा की जीत ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि पंचायती राज और शहरी निकाय चुनावों में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया है। जिला सिरमौर के लिए ऐतिहासिक दिन है, जब भारतीय जनता पार्टी ने जिला परिषद में जीत हासिल की है। श्रीमती सीमा कन्याल उम्मीदवार जीती हैं। मैं श्रीमती सीमा कन्याल को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, साथ ही साथ श्रीमती अंजना शर्मा जो उपाध्यक्ष बनी उनको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी जीत है और सिरमौर के तमाम कार्यकर्ता इसके लिए बधाई के पात्र हैं। इस प्रकार से इन अभी तक के जो नतीजे पंचायती राज के हिमाचल प्रदेश में आए हैं, सातवीं जिला परिषद का नतीजा आया है और सातों की सातों भारतीय जनता पार्टी ने जीती। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी उनको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। जिस प्रकार से प्रदेश की जनता ने उनके जो 3 वर्ष का कार्यकाल, जो विकास की योजनाएँ उन्होंने शुरू की, जो उनकी नीतियाँ रही, उनके ऊपर जनता ने मोहर लगाई है। निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी के 3 वर्ष के कार्यकाल उनके नीतियों और विकासकात्मक कार्यों की जीत है। सभी कार्यकर्ताओं ने इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है, तो मैं जहां शीर्ष नेतृत्व को, अपने प्रदेश के नेतृत्व को बहुत बधाई देना चाहूँगा, सिरमौर के शीर्ष नेतृत्व को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएँ देना चाहूँगा कि जिस प्रकार से एकजुटता के साथ सभी ने मिलकर इस चुनौती का सामना किया और आज जिला परिषद में हम लोग जीत हासिल करने में कामयाब। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए नाहन से चंद्र ठाकुर।